जय हिंद। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है उज्जैन डिफेंस के यूट्यूब चैनल में। मैं हूँ सुरेश चौधरी, फिजिकल कोच एंड डायरेक्टर। आपको इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि कुछ कोचेस है या कुछ एकेडमीज है जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं बिना डेमो दिखाए। तो मेरी यही गुजारिश है उन बच्चों से कि सबसे पहले आप 2 दिन का डेमो ले, उसके बाद किसी अकेडमी पर ट्रस्ट करें, एडमिशन ले उससे पहले, या फिर आप अकेडमी और हॉस्टल की दूरी देखे उसके बाद ही एडमिशन ले। क्योंकि बहुत सारी अकेडमी में, पर्टिकुलर किसी अकेडमी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि बहुत सारी अकेडमी है एमपी के अंदर और एमपी के बाहर भी जो बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं और फिर उनको जो वास्तविक में जो ट्रेनिंग मिलनी चाहिए वो ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। और बच्चे मेरे पास भी आ रहे हैं, मैंने बच्चों ने बोला कि आप वीडियो बनाइए और हम मेंशन करेंगे उसमें कि वो एकेडमी ऐसा करवा रही। तो मैंने उन बच्चों को सामने नहीं लाया हूँ, कैमरे के सामने नहीं लाया और किसी एकेडमी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहा हूँ। तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर उस एकेडमी का कोई डायरेक्टर वीडियो देख रहा है, तो आप पहले बच्चों को गुमराह मत कीजिए। आप में अगर क्वालिटी है तो आप उसका एडमिशन 2 दिन का डेमो दीजिए, उसके बाद एडमिशन लीजिए। आपके अंदर क्वालिटी है, वास्तविकता है आपके अंदर। तो यहाँ पे ट्रेनिंग कैसा चल रहा है और आप जो वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जय हिंद सर। जय हिंद सर। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग चल रहा है, 1 वीक हो गया मुझे, काफी अच्छा अच्छा लग रहा है। और कितने दिन का डेमो लिया? मैंने 1 हफ्ते का डेमो लिया है। अच्छा, 1 हफ्ते। हाँ, आप बताएंगे कमल सर। यहाँ पे बहुत अच्छे सर है और प्रॉपर एक्सरसाइज करवाते हैं, रनिंग वनिंग सभी, कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए यहाँ पर। जय हिंद सलन। जय हिंद सर। आप कहाँ से आए? मैं आगरा से हूँ। आगरा से उत्तर प्रदेश। कितने नंबर है आपके एमपी पुलिस? मेरे 77 नंबर है। 77 कैटेगरी? जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, अदर स्टेट हमेशा जनरली फाइट करता है। हाँ सर। तो मैं पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे जो गुमराह कर रहे हैं जो लोग अकेडमीज में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये है कि सबसे पहले आप जाओ किसी भी अकेडमी में, जहाँ पे भी आप जा रहे हो, सबसे पहले देखो कि वहाँ का कोच कैसा है, यानी कि उसके पास कुछ है या नहीं, वो मतलब सर्टिफाइड है या नहीं, वो सारी चीजें आप चेक करो। जैसे आप देखो कि उन्होंने कोई लाइक फिजिकल डिग्री की है या ऐसे ही जनरली जाके कोचिंग दे रहे हैं, तो वो काफी मैटर करता है। तो ये चीज सबसे पहले देखें। और सबसे पहली चीज है कि आप देखो कि उसका माहौल कैसा है, आप जा रहे हो वहां पे कैसे प्रॉपरली ट्रेनिंग हो रही है या नहीं हो रही है, वो सारी चीजें आप माइंड में रख के ही किसी एकेडमी में जाएं। और सबसे पहली चीज है कि आप डेमो जरूर लें, क्योंकि डेमो से हमें पता चल जाता है कि एकेडमी में एक्चुअली चल क्या रहा है। बाकी तो आप समझदार हो, सारे समझ जाओगे कि कैसे आपको मैनेज करना है अपना सारी चीजें। और क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दो, क्वांटिटी पे नहीं, मेरा मानना यही है सर। ठीक है, ओके। बहुत सटीक और सही जवाब दिया सेलन ने। और आपको भी कहना चाहूंगा कि आप पहले 2 दिन का डेमो ले, 2 से 3 दिन का डेमो लीजिए, और सबसे पहले एडमिशन ना ले। आप बता दें पहले कि मैं जो बंदे जो पहले से आके एडमिशन ले लेते हैं, ऑफिस में बुला लेते हैं और एडमिशन ले लेते हैं, और हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। हम पहले डेमो देते हैं 3 दिन 4 दिन, जितना बच्चा चाहेगा उतने दिन, फिर उसके बाद एडमिशन लिया जाता है। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और लास्ट में जय हिंद जरूर लिखिए कमेंट में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।